नमस्कार दोस्तों, डियर किसान में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन इंसेक्टिसाइड के बारे में, यानी कि एक बहुत ही अच्छे और ज़्यादातर किसान भाई इसका यूज़ करते हैं, तो ऐसे कीटनाशक के बारे में आपको बताएंगे। और इसका प्रति एकड़ के हिसाब से खर्च भी बहुत ही कम आता है दूसरी दवाइयों के मुकाबले, सबसे सस्ता कीटनाशक आप इसको बोल सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जल्दी से आपको इसके बारे में बता देते हैं। दोस्तों, काफ़ी किसान भाई इसको जो है एकतारा के नाम से जानते हैं। एकतारा जो है सिजेंटा कंपनी का एक प्रोडक्ट आता है, और इसके अंदर जो टेक्निकल होता है वो होता है थाइमेथोक्सम 25% WW फॉर्म में ही आता है। इसके अलावा ये जो है 75% में भी आता है, लेकिन आज हम इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थाइमेथोक्सम 25% के ऊपर। तो चलिए, ये जो है थाइमेथोक्सम 25% जो है ये आप किसी दूसरी कंपनी का भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद में ये जो है एक प्रकार का सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड है। सिस्टमेटिक यानी कि पौधे के अंदर तक जाता है, इसके बाद में कीटों के ऊपर काम करता है, इसलिए आपको ये लंबा रिजल्ट भी देता है। दोस्तों, सिस्टमेटिक और कॉन्टैक्ट, ये दो प्रकार के इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड आते हैं, तो इनके बीच में आपको क्या फ़र्क है ये आपको पता होना चाहिए। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, तो इसके ऊपर अलग से एक वीडियो डिटेल में बनानी पड़ेगी, तो इसके ऊपर हम जल्द ही वीडियो लेकर आएंगे। इसके बाद में ये जो एकतारा है या फिर थाइमेथोक्सम 25% WW फॉर्म में जो आता है, ये टेक्निकल क्या काम करता है, तो ये एक प्रकार से रस चूसक जो कीट होते हैं उनके ऊपर अटैक करता है, उनको मार देता है, जैसे कि एफिड, जेफिड, लीफ माइनर, तना छेदक, चेपा, माहू, थ्रिप्स, सफ़ेद मक्खी और हरा तेला। और ज़्यादातर इसका जो उपयोग होता है वो हरा तेला और चेपा को मारने के लिए ही किया जाता है, तो इस बात का आप ध्यान अवश्य रखें। इसके बाद में बात आती है कि आप इसका उपयोग कौन कौन सी फसल पर कर सकते हैं, तो इसका उपयोग जो आप लगभग सभी फसलों पर कर सकते हैं, जैसे कि गन्ना, कपास, धान, चना, सोयाबीन, बैंगन, मिर्च, भिंडी, टमाटर, गोभी जैसी सभी प्रकार की फसलों पर मानकर चलो कि आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद में बात आती है इसके रिजल्ट की, यानी कि इसका नियंत्रण कितने दिनों तक है कीटों के ऊपर, तो ये आपकी फसल को लगभग 15 दिनों तक जो है सुरक्षा दे सकता है हरे तेले चेपे से, यानी कि थ्रिप्स और सफ़ेद मक्खी वगैरह जो है उसके ऊपर इतना अच्छा रिजल्ट इसका नहीं मिल सकता, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। ये जो है हरा तेला और चेपा के ऊपर विशेष रूप से कंट्रोल करता है, इसके ऊपर इसका अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। इसके बाद में बात आती है इसकी डोज की, तो इसकी डोज की बात करें तो 100 से 120 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 150 लीटर पानी की मात्रा के साथ आपको इसका छिड़काव करना होता है। इसके बाद में इसकी कीमत की यदि हम बात करें, तो इसका 1 किलोग्राम का पैक जो है लगभग आपको 1500 रुपये, यानी कि 1500 रुपये के आसपास आपको इसका 1 किलोग्राम का पैक मिल जाता है। और इसके यदि प्रति एकड़ के हिसाब से खर्च की यदि हम बात करें, तो यहाँ पर आपको 150 रुपये के आसपास 1 एकड़ का खर्च बैठता है, लगभग 15 दिनों तक आपको अच्छा रिजल्ट देता है, इसलिए 150 रुपये 1 एकड़ के हिसाब से कोई ज़्यादा खर्चा इसका नहीं आता। और इसके बारे में मैंने आपको लगभग बातें जो थी वो बता दी हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और यदि आप इसी प्रकार से खेत किसान से जुड़ी जानकारी के लिए हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो डियर किसान यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।